हाँ जी, क्या हाल चाल। तो गाइस स्वागत करते हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 के अंदर। तो गाइस इस वाले एपिसोड में हम क्या करना है, यहाँ पर स्टील के रोड़े लेकर जाने से जो देखो अंदर पीछे लगा रखी है। यहाँ पर मेरे को फोन आया, मैं ट्रक लेके आया था, गाड़ी पहले यहाँ पर पहुँची थी कि टेलर पूरा कंप्लीट था और मेरे पास ये कल परसों वीडियो अपलोड कराया था ना, आपने देखा मेन का ट्रक था, उसको रेड कलर करा था, ये अपने मॉडिफाई करा जेड ब्लैक में, पूरा शीशे वगैरह सारे मीडियम साइज़ के जेड ब्लैक कर रखा है, जिसमें आमने सामने देख सकते हो। और ये स्टील के जो क्या बोलते हैं रोड बोलते हैं इसको, टायर बना रखा है, जो वाला सिस्टम बना रखा है यहाँ पर। और भाई साहब लाइटें चली चुकी है अभी हमारे यहाँ पर। भाई कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है फटाफट से कमेंट करो, राजस्थान से अंदर वीडियो देख रहा है जो कमेंट करो भाई साहब लाइटें कितनी जाती है आपके। और यहाँ पर वो ट्रक था पहले लगा, एक्सीडेंट हो गया उसके कारण हमारा ट्रक लेगा इसमें अटैच कर दिया है। तो चलो चलते हैं, इसका सफ़र तय करते हैं कैसे क्या रहता है, तो बने रहना पूरा वीडियो, बच्चा लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से आगे। तो गाइस सुहाना मौसम हो रहा है एकदम शानदार वाला, तो चलते हैं इसको लेके टेलर को और स्टील के रोड को लेके चलते हैं। वो ट्रक यहाँ पर रख दिया, रिपेयरिंग कर देगा इस बंदे, ये बंदा हमको जाना है इसी वाले रूट पे। ये यहाँ पर लमसम कितने किलोमीटर है, 100 या 150 किलोमीटर लमसम होगा, अपने मैप में देख लेते हैं कितना किलोमीटर बता रहा है, 101 किलोमीटर बता रहा है मैप के अंदर। चलो ये सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता को छोड़ना ही, मैप हटाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है फाइनल, तो चलते हैं फटाफट से। और गाड़ी को जेड ब्लैक करा रखा है और आप देख सकते क्या कर रखा है भाई साहब, घूम के बहुत जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है भाई साहब, लोकेशन बहुत शानदार है। और भाई एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, भाई यूपी से, भाई मेरा वीडियो यूपी से देख रहा है, भाई जो भी बंदा मेरे को कमेंट करेगा उस बंदे का जरूर नाम लिया जाएगा। भाई उसने मेरे को नाम नहीं बताया, बस उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, यूपी से देख रहा है भाई वो बंदा। और उस बंदे को भाई थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना यार। और भाई ये क्या हो गया, अटक चुकी गाड़ी भाई, ऐसे प्यार रखाए रखो यार। और जो भी बंदा मेरे को कमेंट करके बताएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो देख रहा है, और उसका नाम बताना भाई, जो नाम बताएगा उसका नाम भी लिया जाएगा इसके अंदर, है ना। निकल के गाड़ी चलो, जो बंदा मेरे को नाम बताएगा भाई मैं वहाँ से देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मेरा ये है, तो उस बंदे का वीडियो में नाम लूँगा मैं, ठीक है भाई। बंदे ने मेरे कमेंट किया यूपी से, बोल रहा है कि भाई आप मेरे को जंगल वाले वीडियो बताओ, भाई जंगल वाले वीडियो लेके आओ। तो भाई ये आ चुके हैं पहाड़ के इलाके में, मैंने कल ही वीडियो शूट कर रहा था पर लाइटें चली गई थी उसके कारण भाई थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, और थोड़ा सा मेरे यहाँ पर अपडेट भी आ चुका है गेम का, तो नेटवर्क का थोड़ा सा तकलीफ रहता है जिसके कारण भाई जल्दी वीडियो नहीं आ पाती है। अभी थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, अपडेट के कारण थोड़ा गेम में थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, और इंडियन गाड़ियाँ लेके आऊँगा मैं, थोड़ा चल रहा है रिसर्च कैसे क्या इसमें करते हैं, ठीक है। जो भी बंदा मेरे को जो डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसका खुद का नाम बताएगा इस वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू भाई कमेंट करने के लिए, और उसका प्रॉमिस पूरी हो रही है। भाई अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब किया करो, जो भी ट्रक लवर है, फ्यूचर में जो भी बंदा ट्रक चलाना चाहता है भाई ऐसे एक सेटअप ले लो, ऐसे रेंट का काम करने लग जाओ, हमको भाड़ा कहीं पे भी मिल जाएगा, कौन सी भी जगह जाओ भाड़ा मिल जाएगा, और गाड़ी को कौन सी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारे इसमें सिस्टम है, थोड़ा सा खेलना पड़ता है, जो आपने देखा होगा फ़ोन में गेम खेलते हैं थोड़ा सा मोड वगैरह खुलने के बाद कुछ भी हम कर सकते हैं, उस तरह से सिस्टम है ये। और आपको पता है इस बार हम वापस रिटर्न जा रहे हैं, वरना यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं सामान, पिछले वाला वीडियो देखा होगा ये ट्रक यहीं पर पड़ा है, अभी तक भी यहीं पड़ा है ये, क्योंकि ऐड करने वाला है, कलर ऐड करता है यहाँ पर, तो इसका ये ऐड करने का क्या सिस्टम है। और पिछली बार हम आए थे इसको चढ़ाई करके, अभी वापस उतर रहे हैं, पहले चढ़े थे अभी उतर रहे हैं। और ये छोटी छोटी गलियां बना रखी है और पत्थर ये लगा रखे ना भाई साहब, इसमें गाड़ी बहुत अटकती है यार, गाड़ी का नुकसान बहुत हो जाता होता है, टायर फट जाते यार। ओ भाई साहब ये देखो भाई 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 साहब नुकसान हो गया, 27% नुकसान हो गया भाई, इसे छोटे मोटे रास्तों में नुकसान हो जाता है यार। बातें करते करते भाई साहब नुकसान कैसे हो जाता है, तो कोई बात नहीं, टायर फट चुके हैं अपने, फोड़ से ही हो चुकी हैं, क्योंकि भाई साहब इसका मैंने नीचे लगा रखा है बम्पर टच होते ही बॉडी पर बड़ा डिफेक्ट पड़ता है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त वाला है, जिससे बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर का व्यू कैसा है भाई, स्टेयरिंग चेंज करना पड़ता है यार, इस तरह से कौन चलाता है भाई, इंडियन में उस साइड में रहता है स्टेयरिंग और ये यूएसए में इस साइड रहता, भाई 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 टच हो जाता, थोड़ा मिरर टच हो जाता, कौन सुना हॉर्न आपने,
ये भाई ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा भाई, हॉर्न के चक्कर में गाड़ी ठोक देता अभी भाई, बाहर बैठ के चलाना पड़ता है क्योंकि यार गाड़ी बहुत लंबी है और 12 चक्का अपनी गाड़ी है और पीछे और कितने लगा रखे हैं टायर, 6 टायर के पीछे वाली है ट्रॉली अपनी भाई, सब लकड़ी गाड़ी पलटी हो गई है, दो गाड़ियां पलट हो चुकी है। ये बोलो जाने तो जाने तो जाने तो वीडियो बना रहा क्या साला है? कोई बात नहीं, जेसीबी से टच हो चुकी है गाड़ी अपनी, एलएनटी लगा रही है यहाँ पर टच होगी, चलते हैं फटाफट से। ज़्यादा से टाइम टाइम इसलिए लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते रहते हैं ना, उसके कारण थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है मेरा, वरना तो कोई नहीं, काफ़ी आसान है इसको पार करना। और गाड़ी भी तो चलाना हो गया, सीख गया पूरा बराबर, कम्प्लीट सीख चुका हूँ मैं। और थोड़ा सा ब्रेकिंग का सिस्टम कुछ देखना पड़ेगा, ये भाई साहब ब्रेकिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, अभी अंदर बैठ के चलाते हैं सीधा। थोड़ा ब्रेकिंग सिस्टम इसमें अच्छा नहीं है इस गाड़ी में, इस गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा, अगली बार दूसरी गाड़ी लेके आएंगे उसमें मज़ा आएगा। बाइक की टॉप स्पीड बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, बाहर देखो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, धूल उड़ रही है पीछे, देखो कितनी मिट्टी उड़ रही है पीछे, भाई साहब रोड आ चुका है, बोल रहा धीरे चलो भाई, भाई साहब लाइटें जा रही है, लाइटें आ जा रही है भाई, मेरा फैन बंद हो गया क्या भाई, लाइट झटके खा के आई भाई, मेरा पीसी बंद हो जाता पिछली बार यार, कल या परसों वीडियो क्या गेम खेल रहा था ना, नहीं ऐसे ही गेम खेल रहा था टाइम पास के लिए, पर उसमें क्या होगा भाई लाइट बंद हो गई एकदम से, जाते जाते गाड़ी अटक चुकी है और गाड़ी अंदर अटक चुकी है और पीसी हो गया और यूपीएस भी बंद नहीं होना है, उसमें टाइम दिखा रहा था 15 मिनट और चलेगा भाई, 15 मिनट में मैं गेम कैसे खेल कंप्लीट करके बाहर निकलूँ, तो भी कुछ ना कुछ करके आपके लिए पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया हमने, लाइट चली चुकी है मेरे साथ, लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर पर चल रहा है मेरे भाई, इन्वर्टर भी इतना बेकअप नहीं दे रहा भाई, इन्वर्टर बड़ा कराना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, रास्ता तो यही है तो इसको बंप बंद कर लेते हैं मैप को, और इसके पहले स्क्रीन नहीं डाला एलसीडी वाला ना, एलसीडी में दिख जाता है, और टॉप स्पीड बता रहा है इतनी सी ज़्यादा मत चलाओ, और इसकी नज़र आगे रखनी पड़ेगा मेरे को यार, वरना तो गाड़ी थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी एकदम से हो जाती है, इसमें पता ही नहीं चलता कैसे क्या होता है, चलती है गाड़ी सीधा जाने तो इसमें, भाई फेस रिवील वाले वीडियो भी बनाएंगे हम, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे यहाँ सेटअप में थोड़ा सा दिक्कत होता है, गर्मियों का दिन हम नहीं बना सकते क्योंकि लाइटें लगाएंगे तो मेरे पास एसी नहीं लगा रखा है मेरे रूम पे, एसी लगेगा अब तो नेक्स्ट बार जरूर लगाएंगे, जरूर बार हम फेस कैम वीडियो बनाएंगे, ठीक है भाई, एक कॉर्नर पर हमें मैं भी बैठा रहूँगा इस साइड में, फेस कैम वीडियो वाला सारा सिस्टम लगा रखा है मैंने, पर थोड़ा अगली बार अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे को सेटअप, थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह आने लगे, थोड़ा सा फेमस वगैरह हो जाऊँ ना, थोड़े से 1000 ही के सब्सक्राइबर हो जाए कंप्लीट, तो फिर बाद में हम कुछ करें हम आगे कुछ, ये भाई गाड़ी गई भाई साहब, टायर फट चुका है, 28% गाड़ी डैमेज हो चुकी है अपनी, ये पीछे देख रहा हूँ इस वजन, एक एक टायर में ये रोल बना रखे ना, एक एक रोल में इतना सारा वजन है कि आप पूछो मत, भाई कच्चे रास्ते पे चलाने में मज़ा नहीं आता भाई, भाई की फरमाइश थी उस बंदे की, तो उस बंदे ने मैंने बोला कि भाई तेरा वीडियो बनेगा जरूर, उसको मैंने रिप्लाई भी किया है भाई, देख लेना भाई, भाई नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो नहीं आएगा, परसों आएगा, एक दिन छोड़ो एक दिन इसका आता है, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा बाहर ट्रेवल करने जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन से वीडियो एडवांस में बना कर जाऊँगा मैं, जो भी बंदा कमेंट करेगा उसका आंसर मिलेगा ना, वैसा नहीं कि भाई
मिले नहीं मिलेगा, मिलेगा आंसर मिलेगा भाई, जो बंदा बोलेगा वैसा वीडियो बनाएंगे हम। भाई साहब चढ़िए भाई, आई ट्रक को दम लगाना पड़ रहा है। ऐसा स्टील की रोड क्या काम आने वाली है भाई। मेरे एक राइडिंग का चैनल भी है जुगाड़ बाबा के नाम से, मेरी शक्ल से होगा उसमें, मैं शक्ल अपनी डाल दूंगा या फिर बता देना मेरे को। इंस्टा पर फॉलो कर लेना, दिनेश कुमार के नाम से इंस्टा अकाउंट है मेरा। अब मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डालने लग जाऊंगा, एक दो तो दिन में बाद में डाल दूंगा, फिर जाकर देख लेना, फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पर। और मैं राइडिंग भी करता हूँ, राइड ब्लॉग वगैरह व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं, उसमें ठीक ठाक व्यूज आ जाता है। राइट आ चुकी है फाइनली, अभी थोड़ा और जाना है, गाड़ी रोक के फिर देखने का है, वरना तो यहाँ से गाड़ी ऊपर कूद जाएगी गाड़ी। बस 15 किलोमीटर और भाई रास्ता आ चुका सफर, 15 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर चुकदा हो गया, अभी 1 किलोमीटर और कवर हो गया और आधे घंटे का रास्ता और है, क्योंकि ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो थोड़ा सा रास्ता का करना पड़ेगा हमको। भाई गाड़ी चलती है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है, इसकी आवाज़ बहुत शानदार लगती है, जैसे रियलिस्टिक में ट्रक चलता ना इस तरह से सेम आवाज़ आती है इसकी। ये भाई साहब टो वाली गाड़ी है, यहाँ पर सर्विस दे रखी है फुल, पहाड़ों के अंदर भी सर्विस दे रखी है भाई, बिल्डिंग बना रखी है तो यहाँ पर सर्विस फुल। ये भाई साहब बॉडी टेढ़ी हो गई, भाई टायर फट चुका अगले वाला, भाई टायर अटक चुका है गाड़ी में। भाई भाई क्या हो गया, ये क्या एक्सीडेंट हो चुका है भाई, एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त हो चुका है भाई। यहाँ पर कहाँ पर घूम रही थी गाड़ी अपनी, यहाँ पर ऊपर से गिरी है, यहाँ पर कहाँ से गिरी है, यहाँ से गिरी थी, यहाँ से घुमा रहे थे भाई, गाड़ी फुल डैमेज हो चुकी है मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, कितना मुझसे डैमेज हो गया, 7777F7। भाई साहब माल भी डैमेज कम हुआ है, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। चलो रास्ता थोड़ा सा ये पास में है, बस कवर होने वाला है, चलो देखते हैं अभी क्या से क्या होता है। चल रही भाई इसमें क्या पता इंजन का काम थोड़ा मिस्टेक हो गया, टायर वगैरह फट चुका है, अगला बार टायर फटा हुआ देखो छोटा हो गया पर इसमें हवा नहीं निकलती, ऐसे दिखाता नहीं है पर फट चुका है टायर दोनों अगले वाले, इसलिए तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही थी, वरना टायर फट चुका था और इस फेंडर में फंस सका था आगे, जैसे अटकता ना इसमें इसमें अटक चुका था ये। चलते हैं अभी देखें, सफ़र आ चुका गांव, वहाँ सिटी आ चुकी है, सिटी आ चुकी है। भाई साहब पीछे तो वाला मुंह काला हो जाएगा पीछे वाला बंदे का, भाई आ चुकी है कंपनी, ये कंपनी का कौन सी चीज़ का नाम, ये रही भाई कंपनी, ये जाना हमको, इस घर के अंदर घुसाना है, एक बिल्डिंग है
ये भाई साहब बिल्डिंग में कैसे घुसाएगा भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी बिल्डिंग में कैसे घुसेगी? एंटर दबाते हैं तो भी वही खाड़ी टेढ़ी कैसे करेंगे इसको? भाई गाड़ी अटक चुकी है फैन। गाड़ी नहीं है जिसको, इसको टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। ये हुई टेलीपोर्ट गाड़ी अपनी, और इसको रेस में ले लेते हैं गाड़ी को। जहाँ गाड़ी में रास्ता कम है तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। यहाँ पर उसको टेलीपोर्ट करा दिया है। ये भाई साहब पार्क कर दो इसको, और यहाँ पर अच्छा मेरे को रेंट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इसमें मेरे को पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तो बोलिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राम राम।